ऐसा सिद्ध किया उस समय में कि अभी मुझे प्रूफ नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का प्यार मेरे ऊपर सदा है। तो परमेश्वर चंगाई देते हैं, दे दिया है, बस मेरे अंदर चंगाई का पूरा फवारा है, फाउंटेन है। मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ? थोड़ा एक बात बताओ मुझे, क्या एक ही फाउंटेन से कड़वा पानी और मीठा पानी आ सकता है? एक ही फवारे से कड़वा पानी और मीठा पानी आ सकता है? तो जहां पर चंगाई है वहां पर बीमारी कैसे आ सकता है? सेंस नहीं बनता है ना? सेंस बनता है कि नहीं बनता है? फाउंटेन, हीलिंग फाउंटेन है, हमने चंगाई का फाउंटेन है, हमें बीमारी कैसे आ रही, कहां से आ रहा है? कहीं से पाइप लेकर हमने डाल दिया यहाँ पे, कहीं और से पाइप लेकर, तो कड़वा पानी आ रहेगा। पाइप हटा दो ना, वही रखो जो यीशु मसीह ने आपको दिया, वो है चंगाई का जीवन, पूरा आशीष जीवन। आमीन। तो फिर से परमेश्वर से चंगाई मांगेंगे। थैंक यू। ओके, तो सब कुछ जो होता है, मैं ऑलमोस्ट एंड कर रहा हूँ, रिलैक्स। यदि मैं ये नेक्स्ट संडे करूँ तो भी मैं चलेगा मेरे लिए, पर नेक्स्ट संडे अलग टॉपिक लेना चाहता हूँ इससे। नेक्स्ट संडे में एक्सक्यूजेस लेने वाले हैं, एक्सक्यूजेस फॉर बीमार रहने के, एक्सक्यूज जो बहाने हम लोग बताते हैं ना, क्यों बीमार हूँ, अरे बहुत थक गया, अरे ठीक से सोया नहीं, अरे ये, अरे वो ठीक से खाया नहीं, तो वो सारे बीमारी, वो सब मैं नेक्स्ट संडे बताऊँ, ठीक है? यदि सब कुछ जो होता है परमेश्वर की इच्छा है, सुनो गौर से, यदि सब कुछ जो होता है मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा है, करेक्ट? मुझे ना परमेश्वर की इच्छा हो, परमेश्वर की इच्छा हो, जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे हो जाए अपने जीवन में, और तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ठीक है? गाते गाते, ओके? यदि जो कुछ मैं करता हूँ परमेश्वर की इच्छा है, मतलब मेरे जीवन में जैसा भी होता है, ये सब जो हो रहा है मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा है, मतलब जो कुछ मैं करता हूँ वो भी परमेश्वर की इच्छा है, कि नहीं है? कि नहीं है? जो कुछ मेरे साथ होता है यदि वो परमेश्वर का इच्छा है, बहुत हैवी जा रहा है, जो कुछ मेरे साथ होता है यदि वो परमेश्वर का इच्छा है, मतलब जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो भी परमेश्वर का इच्छा है, मतलब न्याय के दिन जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, हे परमेश्वर मैंने वो किया क्योंकि आपका इच्छा था, दोषी तो आप हो, आपकी इच्छा के अनुसार मैं चल रहा था ना, दोषी तो आप हो। तो वो स्त्री जो तूने मुझे दिया ना परमेश्वर, उसने मुझे खाने के लिए दिया और मैंने खा लिया। हम अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते, लेना चाहते नहीं लेना चाहते, तो हम कहते हैं अरे परमेश्वर की इच्छा हो तो ये खाओ। पर जेम्स ने लिखा है ना, जेम्स ने लिखा है ना कि ऐसा कोई नहीं कहे कि मैं यहाँ पर जाऊँगा वहाँ पर जाऊँगा, यदि परमेश्वर का इच्छा हो तो करूँगा, ये परमेश्वर का इच्छा हो वो करूँगा। वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट टाइम सीख लेंगे उसके, ठीक है? उसमें कन्फ्यूज मत हो। पर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा कुछ नहीं, परमेश्वर की इच्छा बाइबल में लिखा गया है, जो कुछ है वो है, आपको सब कुछ अधिकार दे दिया, आपके इच्छे के ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर आपका न्याय करेगा उस दिन पे जो कार्य आपने किया। आप नहीं कह सकते हो कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, आपके वचन ने मुझसे कहा, मुझे लगा कि आपने ये कहा, क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं। आमेन, आमेन ना, आमेन यस मैन नो मैन, आमेन यस मैन नो मैन। तो सारा अधिकार परमेश्वर के पास है, पर वो करना नहीं चाहते। शैतान के बारे में क्या था? अधिकार नहीं है और अनुमति नहीं। परमेश्वर के बारे में क्या है? अधिकार है पर वो करना नहीं चाहते, मतलब वो किसी को बीमार नहीं करना चाहते, किसी को दुष्टता में डालना नहीं चाहते, करेक्ट? तो कौन निर्णय करता है कि मेरे साथ क्या होता है? यशया 66:14 पढ़ो, किसके हाथ में ये निर्णय है? यशया 66:14, तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध बढ़ेगा। दासों के ऊपर यहोवा का हाथ प्रकट होगा और शत्रुओं के ऊपर क्रोध। दासों के ऊपर हाथ, शत्रुओं के ऊपर क्रोध।
गलती हो, गलती हो। तीन, 13 और 14 में क्या लिखा है? यीशु श्रापित बना ताकि, हाँ, और ताकि अब्राहम की आशीष हमारी ऊपर आ जाए। समझ में आ रहा है? बोलो, मैं श्रापित नहीं हूँ, श्राप मेरे लिए नहीं है, श्राप परमेश्वर के दुश्मनों के लिए है। मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूँ, बच्चा हूँ तो परमेश्वर के सारे आशीष मिले, क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह। तो बीमारी किसके लिए है? परमेश्वर के शत्रुओं के लिए, मेरे लिए नहीं। तो मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ? सर दर्द किसके लिए है? मेरे लिए नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ? बदन दर्द, खुजली, किसका खुजली, सब ये किसका? उनका है, हमारा नहीं है। जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके क्रूस के नीचे नहीं आते हैं, और अब्राहम का ब्लेसिंग उनका नहीं हो सकता है। अब्राहम का ब्लेसिंग क्या है? मैं पूरी तरह से चंगा हूँ। अब्राहम कैसे मरे? नेचुरल डेथ, आराम से, आरामदायक मौत मरे, ऐसे हाथ रख के ऐसे सो गया, उसके आंखें भी बिम नहीं पड़ी। मोसेस, ठीक है, पर अब्राहम डाइड नेचुरल डेथ। आपको कब तक मरना है? 80 इयर्स 90 तक मरे? 90 तक ठीक है बाबा, 90 अभी 70 भी जी लिया तो काफी है, 90 क्या बात करो आप। 120 तक आपके अंदर क्षमता है जीने का, 120 जियोगे आप, यदि परमेश्वर ना आए तो जियोगे आप। हाँ, और आरामदायक मृत्यु मतलब क्या? मैं अपने आंखें बंद करूंगा यहाँ पे, ऊपर खोल दूंगा, और अनंत काल में मेरा बर्थडे मनाऊंगा। आज मेरा पहला दिन है, मैं आ गया, ये बर्थडे पार्टी है ना, क्योंकि मेरा पहला दिन है ना अनंत काल जीवन में, स्वर्ग में पहला दिन है, तो सब लोग पार्टी मनाएंगे, है ना। नहीं, हम लोग डरते हैं मौत से, डरते आगे। ओके, तीसरी बात, मनुष्य का अस्तित्व, शैतान का अस्तित्व देख लिया हमने, परमेश्वर का अस्तित्व देख लिया हमने, मनुष्य का अस्तित्व यहाँ पर मैं आपको छोड़ नहीं सकता, थोड़ा और समझ, ठीक है। एक बच्चे ने अपने ग्रैंडफादर से या दादा से स्टोरी सुन रहा था, तो स्टोरी में ग्रैंडफादर ने बोला कि देखो बच्चे, तुम में ना दो भेड़िया रहते, दो भेड़िया और उनका हमेशा लड़ाई होता है, दो भेड़िया तुम्हारे अंदर रहते हैं और हमेशा उनका लड़ाई होता है, और बुरी तरह से लड़ाई होता है। तो बच्चे ने पूछा, पर जीतता कौन है? तो दादा ने यही बोला कि जिसको आपको जिताना, जिसको आपको जिताना है वो जीतता है। बुराई का भेड़िया जीतता है जब आप चाहते हो, अच्छाई का भेड़िया जीतता है जब आप चाहते हो। समझ में आया? दो भेड़िया लड़ रहे, किसका जीत पक्की है? जिसके साइड पर आप हो, चंगाई यहां पर है, बीमारी यहां पर है। क्या आपके जीवन में आ सकता है? जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो। कौन आपके जीवन में आता है? जिसके लिए आप दरवाजा खोल देते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। फर्स्ट पत्रस 1:22, पहला पत्रस 1:22, So, जबकि तुमने भाईचारे के निष्पक्षता प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। बस काफी है। Acts 16:31 वहाँ पे आपने सुना ना, सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। Acts 16:31 प्रेरित 16:31
उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या 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 प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किसको करना है? आपको करना है। हम लोग कहते हैं यदि मेरा उद्धार हो गया तो मेरे घराने का उद्धार होगा, उद्धार होगा, कहते हैं ना, यदि मेरा उद्धार हुआ तो मेरा घराने का भी उद्धार होगा। सबको यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना होता है। ऐसा नहीं कि एक नोवा बन गया तो बाकी सब आठ के आठ चलो आंख में। सबको एक समान यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना। कॉर्नेलियस के घर में जो प्रचार हुआ तभी सब ने उसके घर में यीशु के नाम पर विश्वास किया। ये कर्तव्य आपका है, आपको करना ही पड़ेगा यीशु के नाम पे विश्वास। आपके विश्वास करने के बगैर अनंत जीवन आपका नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? आपका एक कर्तव्य है, आपका सच्चाई मानने से ही आपका हृदय शुद्ध हो गया। आपको मानना पड़ेगा, आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। ठीक है, समझ में आ गया? कर्तव्य मेरा है। ओके, आगे देखते निष्कर्ष तात्पर्य ये है मनुष्य के बारे में। निष्कर्ष और तात्पर्य ये है मनुष्य के बारे में। अधिकार भी है और अनुमति भी देता है। अधिकार भी है और अनुमति भी देता है, मतलब मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका अधिकार मैंने उस चीजों को दिया है और उन चीजों का अनुमति भी उनको दिया है कि वो मेरे जीवन में हो। यदि मैं चाहता हूं कि ये ना हो मेरे जीवन में, उसका कोई औकात नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो। तो परमेश्वर के पास अधिकार है पर अनुमति देता है पर वो नहीं करता है। परमेश्वर के पास अधिकार है पर करता नहीं है, सिर्फ अनुमति देता है। शैतान के पास अधिकार भी नहीं है, अनुमति भी नहीं है। और आपके पास अधिकार भी है, अनुमति भी है, मतलब जो मेरे जीवन के साथ होता है उसका पूरा पूरा श्रेय मुझे ही मिलता है, मुझे ही जाता है। मैं ना शैतान को ब्लेम कर सकता हूँ, दोषी ठहरा सकता हूँ, ना परमेश्वर को दोषी ठहरा सकता हूँ, ना परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकता हूँ, ना लोगों को। मेरे माँ बाप ऐसे निकले तो मैं ऐसा नहीं। नहीं, गरीब पैदा होना अरे वो कुछ है, पर गरीब मरना वो आपका निर्णय है। भले आप गरीब पैदा हुआ वो आपके हाथ में नहीं है, पर गरीब मरना वो आपके हाथ में है। आप अमीर हो सकते हैं, आप परिश्रम करके अमीर हो सकते हैं, गरीब मरना फिर वो आपके हाथ में। समझ में आ रहा है? तो क्या मैं किसी को दोषी कर सकता हूं? किसको बोल सकता हूँ ये जो माँ तूने मुझे दिया उसने मुझे चिढ़ाया और मैं चिढ़ गई, ये जो बच्चे तूने मुझे दिया, ये जो पति तूने मुझे दिया, ये जो पत्नी तूने मुझे दिया, ये सब बोल सकते हैं हम? परिस्थितियों के ऊपर दोष कर सकते हैं? नहीं। अधिकार भी हमारा है जो हमें तकलीफ देते हैं और अनुमति भी हम ही देते हैं। जब तक मैंने अनुमति नहीं दिया कोई मुझे छू भी नहीं सकता, जो कोई मुझे इरिटेट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अनुमति दिया। इसलिए जब न्याय के दिन परमेश्वर बताएगा कि कार्य कौन से आपने किए हैं, इसलिए तभी आप बता नहीं सकते हो कि उसकी वजह से ये पास्टर गलत था, ये पास्टर को देख के मेरे सामने मेरा जीवन ऐसा हुआ। सब लोग अच्छा ठीक है आगे देखते। ओके, तो रोमियो उसका 10वां अध्याय और 3रे वचन में देखो, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। बस कौन है? यहूदी लोग। परमेश्वर के धार्मिकता को उन्होंने कम कर दिया, अपने धार्मिकता को उन्होंने ज्यादा कर दिया और बोले ये परमेश्वर का धार्मिकता है। परमेश्वर को कम मत करो, परमेश्वर को कम मत करो, परमेश्वर को महिमा दो जैसे वो है, उनको वो आदर, उनको वो सम्मान दो जैसे वो है। परमेश्वर को कम मत करो। पुराने नियम में हम जानते हैं कि बहुत चमत्कार हुए पुराने नियम में। क्यों हुए? क्योंकि परमेश्वर को कोई नहीं जानता था, है ना। परमेश्वर मतलब क्या करते हैं, कौन करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं, ठीक है।
नए नियम में क्या हो गया, यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह सीमित थे क्योंकि अपने बदन में आ गए थे, तो सीमित थे, जितने आते थे उसके पास उतना ही वो चंगाई देते थे वगैरह, उतना कार्य कर सकते थे। पर आपको पता है वो परमेश्वर जो पुराने नियम में है, वो जो परमेश्वर बॉडी में आए थे, शरीर में आए थे, अभी वो परमेश्वर वो हमारे अंदर है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरे विरुद्ध कुछ भी कहो चलेगा, पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध मत कहना क्योंकि वो पाप बहुत ही भयंकर होगा। क्यों? क्योंकि वो राजा का राजा है, वो परमेश्वर है जो पुराने नियम में था। हमने परमेश्वर को इतना छोटा कर दिया ना, पवित्र आत्मा को रख दिया जाते थे, कभी बात करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी छोटा है पवित्र आत्मा मेरे में है पर नहीं उसको उसको क्या बोलते क्यों नहीं देते पवित्र? पर पवित्र आत्मा चाहते कि आप गुस्सा हो जाए, आप उनके वाणी नहीं सुनते, जब आप गुस्सा आ रहा है ना वो बोलते शाम शाम यहाँ से निकलो, नहीं क्रोधित होते हो, ज्वालामुखी नहीं आदर देते हो, आवाज कर रहे हो नहीं आदर देते। कभी कभी पवित्र आत्मा बोलते थोड़ी और देर बैठो प्रार्थना में, थोड़ी और देर बैठो वचन पढ़ने में, बोलते कि नहीं बोलते? कभी सुना है आपने थोड़ा और बैठना चाहिए शायद से, नहीं नहीं पर काम भी करना है, नहीं सुनते शैतान का अस्तित्व, परमेश्वर का अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व, एवजी का अस्तित्व, एवजी क्या है? अच्छा प्रोपिसिएशन सब्स्टिट्यूट, मतलब हमारे जगह पर किसी और एलोजी, तो उसको और क्या बोलते हैं? हमारे बदले में किसी और का अस्तित्व। और कौन है वो? पहला योहन्ना उसका दूसरा अध्याय और दूसरे वचन, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, सहायक है परमेश्वर के पास। यदि कोई पाप करे तो एक सहायक है, एक मददगार है जो परमेश्वर के पास है, जो हमारे लिए हमारा वकील, एडवोकेट, एडवोकेट वहां पर है कौन? यीशु मसीह। मरना तो हमें था पर उस वो हमारे लिए मर गए। आपको पता है क्रूस के ऊपर 12 से लेकर 3 बजे तक अंधकार छाया हुआ है, दोपहर के 12 से लेकर 3 बजे तक। कहते हैं उस दरमियान यीशु मसीह ने कोई भी शब्द नहीं बोला, 12 से लेकर 3 बजे अंधकार छाया हुआ है, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह लाकर टंगे हुए हैं, 3 घंटे के लिए लगातार एक शब्द यीशु मसीह ने बोला। क्यों अंधकार छाया हुआ? परमेश्वर जब न्याय करता है तो अंधकार माउंट सिनाई के जैसे आए काले बादल में cloud in darkness, he says, I dwell in darkness. मैं अंधेरे में रहता हूँ, अंधेरे में। जब वो जजमेंट न्याय करता है, दूसरी बात हम माउंट सिनाई के पास नहीं आए, जो हिब्रूज रीड हिब्रूज 12:18 वर्सेस इन हिब्रूज 12:18 तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरई की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वाले ने विनती की कि मन पापा मुझे नहीं चाहिए, मतलब हमें ये परमेश्वर नहीं चाहिए, हमें ये परमेश्वर से बातें नहीं करना है, जो अंधेरे में आ रहा है इतना इतना गरज रहा है, इतना तूफान आ रहा है अंधेरे में, नहीं नहीं ऐसे परमेश्वर से बातें नहीं करना चाहते, हमको लगा तो परमेश्वर की आए तो परमेश्वर
तीन घंटे लगातार हम ये रिलेशनशिप कर रहे थे, रिलेशनशिप के ऊपर क्या आया पता है आपको? परमेश्वर का तीन घंटे और सारे दुष्ट लोग जो अनंत और अनादिकाल तक नरक में जलते जाएंगे, फिर भी वो लोग वो पूरा नहीं करेंगे, कर पाएंगे जो यीशु मसीह ने उस तीन घंटे में झेल कर किया। तीन घंटे में यीशु मसीह ने ऐसा नरक सहा है, ऐसा नरक सहा है, परमेश्वर का प्रकोप जो है ना, परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह ने अपने आप में ले लिया तीन घंटे में। जो सारे दुष्ट लोग चलते चलते भी जाएंगे ना, वो लोग फिर भी वो पूरा नहीं कर सकते जितना यीशु मसीह को कर। और यीशु मसीह के सन्नाटे को छीनते हुए एक ही आवाज आई, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे क्या सब कुछ जी का अस्तित्व, वो जो मुझे चलना था नर्क में, यीशु मसीह मेरे लिए चले उस क्रूस के ऊपर उन तीन घंटों के। और क्या यीशु मसीह ने झेला ना, वो कोई पता नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसी तीन घंटे को देखकर गार्डन ऑफ गेथसेमनी में यीशु मसीह कह रहे थे, परमेश्वर पिता, पाप के बारे में वो जानते थे, शैतान को हराना वो सब अच्छा था, इजी था उनके लिए, मुश्किल ये था कि परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आने वाला था तीन घंटे में। हे परमेश्वर, ये प्याला, कौन सा प्याला? न्याय का प्याला जो मैं पीने वाला हूँ, जो मुझ पर आने वाला है, ये हो सकता है तो ये प्लीज हटा दे, पर आपकी इच्छा हो मेरी इच्छा नहीं। और तीन घंटे तक यीशु मसीह ने वो न्याय का प्याला क्यों पिया? एक कड़वा प्याला।